और दोस्तों की हाल चाल। आज के वीडियो में हम लोग लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि लिनक्स फाइल सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, एंड कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंसोल में ही दिखा देता हूँ। ये मैं एज अ पॉल यूजर मैंने लॉग इन किया है लिनक्स टर्मिनल पे, एंड मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी हूँ। जब भी आप सीडी एंड फॉरवर्ड स्लैश करते हो, ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश एक रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, रूट मतलब जो सबसे मेन डायरेक्टरी बोल सकते हैं इसको, एंड यहाँ पे मैं lsldr करता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड या तो डिफॉल्ट सम डायरेक्टरीज दिखती हैं, कुछ फोल्डर्स दिखते हैं, जैसे कि लिव हो गया, बिन हो गया, यूजर हो गया, होम, रूट, डेव, एंड इस टाइप के फोल्डर्स आपको हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिल जाएंगे। सो इन फोल्डर्स का, इन डायरेक्टरीज का क्या यूज है, क्या पर्पस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बेसिक यू नो इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ये सब फोल्डर्स के बारे में, बिकॉज अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे आके आपको इनका यूज हो सकता है, या तो कुछ आपको चेंजेस करना हो कहीं पे, या तो आपको कुछ चेक करना हो। सो आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल। यस, आप लोग ने अभी तक ये तो देख लिया होगा कि ऑडियो वीडियो जो भी हम ऐसी फाइल्स यूज करते हैं वो भी एक फाइल फॉर्मेट में होती है, बट इन लिनक्स जो आप कमांड भी फायर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ने अभी सीडी कमांड यूज करी, सीडी, ठीक है, और मे बी एलएस यूज कर रहे हैं। सो ये जो कमांड भी है वो भी एक कहीं ना कहीं फाइल होती है। ठीक है, लिनक्स पे कैसे, अगर आप अगर चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। जैसे कि इसके लिए आप वेयर इस कमांड यूज कर सकते हो, एंड इसके बाद आपको कमांड का नाम देना है, जैसे कि ls हो गया। ठीक है, सो आप यहाँ पे एक लोकेशन देख सकते हो, यूजर बिन और उसके अंदर एक ls नाम की फाइल। ठीक है, तो हम लोग उस लोकेशन पे जाके क्विकली देखते हैं, यूजर बिन। ठीक है, तो हम लोग बिन फोल्डर में आ गए हैं, एंड इसके बाद मैं ls करता हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी आप, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये एक कमांड्स है। ठीक है, जैसे कि आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे ई ग्रैप है, ई डी हो गया, ई एन वी हो गया। ठीक है, और मैं आपको अभी एल एस हमें हम लोग ने कमांड यूज किया था, सो एल एस कमांड भी यहाँ पे दिख जाएगा। सी यहाँ पे एल एस कमांड जो अभी हम यूज किया था उसकी भी फाइल है, अभी सी डी किया था तो सी डी भी है, कैट कमांड की फाइल्स है, इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। सो इतनी सारी फाइल्स को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोल सकते हैं फाइल सिस्टम। ओके, सो क्विक इंट्रोडक्शन। ओके, ओएस स्टोर्स एंड मैनेज डेटा ऑन डिस्क और पार्टीशन यूजिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम इंक्लूड्स फाइल डायरेक्टरी एंड इट्स रिलेटेड परमिशन। तो अभी हम लोग ने क्विकली टर्मिनल पे ही देख लिया था कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिनक्स के इतनी सारी फाइल्स होती हैं, एंड उसको प्रॉपरली मैनेज एक सिस्टमैटिक वे में मैनेज करना, स्टोर करना, और अपने डिस्क के पार्टीशन पे ऑफ कोर्स कि हार्ड डिस्क में ये वो स्टोर है और मैनेज हो रही है, सो उसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम कहते हैं, एंड फाइल सिस्टम स्टोर डेटा इन हायरार्की ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ने लाइव एग्जांपल भी देख लिया था कंसोल पे कि एक रूट डायरेक्टरी में हम लोग पहले गए, एंड उसके अंदर काफी सारे फोल्डर्स हैं, एंड उस फोल्डर्स के अंदर काफी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो एक हायरार्की मेंटेन करता है ये फाइल सिस्टम। इसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम होते हैं लिनक्स पे, जैसे कि EXT3, EXT4, ये कभी आपने नाम सुने होंगे, लाइक एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 4, ये डिफरेंट वर्जन है फाइल सिस्टम के। XFS, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, एंड FAT है, एंड BTRFS जो कि बी ट्री फाइल सिस्टम है। ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है ये डिफरेंट टाइप्स का फाइल सिस्टम तो है, बट हमारे लिनक्स एनवायरनमेंट में कौन सा फाइल सिस्टम है, आप हम कैसे चेक करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, एक कमांड होती है lsblk-f, सिंपल है कि फाइल सिस्टम टाइप दिखाता है। सो नाउ यू कैन सी ये फाइल सिस्टम। ठीक है, तो HDA ये तो होता है SCSI डिस्क। ठीक है, और टाइप ए मतलब उसका एक पार्टीशन होता है, मतलब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ लो ये एक डिस्क का पार्टीशन है। ठीक है, सो ये दो टाइप के पार्टीशन है, कुछ नहीं, और ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर है। ठीक है, दैट्स इट। एंड अगर आप देखोगे जो पार्टीशन है वो फाइल सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, XFS जो कि एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है,
तो यहाँ पे मैं सेंटोस एनवायरमेंट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे XFS है एंड मैंने उबंटू भी यूज किया है, तो उबंटू में एक्सटेंडेड 4 फाइल सिस्टम यूज होता है। ऑलराइट, सो इतने सारे फाइल सिस्टम है, बट इतने सारे फाइल सिस्टम क्यों बनाए गए और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बट इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। बट मैं एक एक फाइल सिस्टम को उठा के थोड़े से उसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जैसे कि एक्सटेंड फाइल सिस्टम है, ठीक है, जो कि अभी एट प्रेजेंट अपन ने देखा था, ठीक है। सो XFS इज अ 64-bit हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ठीक है, 64-bit सपोर्ट करता है, सपोर्ट पैरेलल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सो ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा, वर्क्स वेल विद द लार्ज फाइल्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ी फाइल्स है उसको भी प्रॉपरली हैंडल एंड यू नो कर सकता है XFS, ठीक है। नाउ एक्सटेंडेड 4 क्यों बनाया गया, ठीक है, और हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना है। सो इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आपकी जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आपको कोई सर्वर चाहिए कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या यू नो इन फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। लाइक जैसे बहुत ज्यादा लोड होगा, या तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज्यादा होंगे, या तो फाइल साइज बहुत बड़ी हैंडल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग फाइल सिस्टम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो अभी हम लोग ने टर्मिनल पर ही देखा था, कुछ इस टाइप का हम लोग को फॉर्मेट या तो स्ट्रक्चर दिखता है डायरेक्टरीज का। तो जब हमने CD/ किया था वो है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, जिसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं हम, मेन डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। एंड उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर भी डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये इस टाइप का मैंने ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उबंटू के फाइल सिस्टम से, ठीक है। तो एंड अगर आप यू नो जितनी भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करो, सो काफ़ी सारे जो डायरेक्टरीज हैं कॉमन ही रहेंगी, जैसे कि बिन मिल जाएगी, ETC मिल जाएगी, होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, लिब डायरेक्टरी, ये सब डायरेक्टरीज आपको कॉमन मिलेंगी। कुछ एक्स्ट्रा हो सकती हैं, you know, depends upon the distribution of Linux, but most of the directories common ही हो, ठीक है। Alright, so अभी तक हम लोग ने Linux का file system अभी देख रहे हैं, but अगर इसको थोड़ा सा relate करें Windows के file system से, तो आपको शायद समझने में और आसानी होगी। So अगर आप Windows में भी file system एक ठीक है format follow होता है, ठीक है, so जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो Windows 11 यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने दिस PC में हूँ एंड यहाँ भी देखो डिस्क पार्टीशन इसमें भी है, लाइक CDEF डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स होते हैं एंड मेन होता है सी ड्राइव, ठीक है, जो मेन अपना फॉर एग्जांपल लिनक्स में रूट था स्लैश, वहां पे अपन इसमें बोल सकते हैं कि सी ड्राइव है। एंड इसके अंदर आते हो तो इसमें भी काफी सारे फोल्डर्स दिखते हैं, जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स हो गई एंड प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, ये 32 bits है, यूजर्स है, USR, विंडोज एंड सो ऑन, ठीक है। सो इन डायरेक्टरीज के भी अपने पर्पस हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फाइल्स में अगर आप जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो विंडोज में, तो यहाँ पे रहती फाइल, या 32-bit सिस्टम एप्लीकेशंस की फाइल्स होती हैं, यूजर्स के रिलेटेड कुछ फाइल्स होती हैं यहाँ पे, एंड विंडोज की अपनी खुद की फाइल्स होती हैं एंड सो ऑन। सो सिमिलरली अपने पास लिनक्स पे भी होगा, लेकिन और विंडोज में अगर आप देखो तो ये डेस्कटॉप, अब जैसे कि म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, ये डायरेक्टरीज भी होती हैं। सो अगर लिनक्स पे भी देखो, जैसे कि मैं पॉल यूजर है और मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी जाता हूँ और LSI करता हूँ, सो यहाँ भी आप देख सकते हो डाउनलोड, वीडियोस, पिक्चर्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ये डायरेक्टरीज यहाँ भी है। सो आप काफी हद तक अगर इसको विंडोज से रिलेट करो तो और ज्यादा मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, सो अब हम फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो भी डायरेक्टरीज हम लोग ने फाइल सिस्टम के अंदर देखी थी कि उसके क्या क्या पर्पस होते हैं, अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं बूट फोल्डर। तो बूट मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए जो भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इस फोल्डर में होती है, जैसे कि ग्रब हो गया। उसके बाद होता है एक डेव फोल्डर, ठीक है, तो यहाँ कंसोल पे भी देखते जाते हैं, तो यहाँ पे बूट फोल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डेव फोल्डर, डेव मतलब डिवाइसेस, ठीक है, तो सिस्टम डिवाइसेस फाइल्स लाइक स्पीकर्स, कीबोर्ड, मतलब कोई भी डिवाइसेस कनेक्टेड है अपने लिनक्स एनवायरनमेंट से, और डिस्क पार्टीशंस हैं, सो उसके रिलेटेड फाइल्स भी आपको यहाँ पे डिवाइसेस में मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं डेव ls, सो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे पोर्ट जो है, पोर्ट से रिलेटेड फाइल है, CD-ROM देख रहे हो, देंगे HD है, जो कि अभी हम लोग ने पहले ही देखा था फाइल सिस्टम के टाइम में, ये हमारी जो डिस्क पार्टीशन की फाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे माउस वगैरह से रिलेटेड आपकी यहाँ पे फाइल्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद होते हैं
ETC, etc या तो etc ऐसे फोल्डर्स बोलते हैं, हैव द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। जैसे कि विंडोज में प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, यहाँ पे ETC फोल्डर होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। और ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर पहले टर्मिनल पे देख लेते हैं, CD ETC, ठीक है, LS, सो LS किया मैंने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि मैंने HTTPD अपाचे वेब सर्वर हो गया, एंड उसके बाद एंजिनिक्स, ठीक है, तो एंजिनिक्स मैंने इंस्टॉल किया, तो एंजिनिक्स है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और ये तो हुआ हम बात हमारी, जो भी एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करी है अलग से, बट हमारे जो सिस्टम की भी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, लाइक नेटवर्क से रिलेटेड फाइल्स हैं, SSH रिलेटेड फाइल्स हैं, और या तो आप इन फ्यूचर कभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स से भी प्ले अराउंड करते हो, सो प्रोफाइल्स हो गई, यूजर प्रोफाइल्स एक्सेट्रा, सो उसके रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको इस फोल्डर में मिलेगी। ETC के बाद आ जाते हैं यूजर बिन एंड यूजर एस बिन, ठीक है। सो यूजर बिन, अभी हम लोग ने ये फोल्डर ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसमें क्या हम लोग ने क्या देखा था कि जो भी हम लोग की कमांड्स है इतनी सारी, उसकी फाइल्स यहाँ पे हम लोग को मिली थी। बिन मतलब बाइनरी होती है, ठीक है, तो बाइनरी फाइल्स है, आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, एक अलग ही फॉर्मेट में होता है, ठीक है। एस बिन मतलब सिस्टम बाइनरीज ऑफ द रूट डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम एडमिन या तो रूट डायरेक्टरीज नहीं बोलूंगा, बट रूट एक्सेस के लिए जो कमांड्स होती हैं वो वाली कमांड्स इस डायरेक्टरी में होती है, ठीक है। उसके बाद है ओप्ट, OPT, ऑप्शनल इंस्टॉलेशन ऑफ ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली कोई सर्विस, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो वो तो ETC में आपकी कॉन्फ़िगरेशन जाती हैं। बट अगर आप थर्ड पार्टी कभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो लिनक्स पे, तो वो OPT फोल्डर में जाती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग PROC, ठीक है, तो रनिंग प्रोसेसेस। ओके, सो PROC फोल्डर में क्या होता है, जो भी हमारे प्रोसेसेस रनिंग है उसके रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। यूजर लिब, ठीक है, सो यूजर लिब 64, यूजर लिब जो भी जब हम लोग की कमांड से हम लोग फायर करते हैं वो भी फाइल्स हैं, एंड उसके लिए भी कुछ लाइब्रेरीज का उन लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो वो लाइब्रेरीज से रिलेटेड फाइल्स इन दोनों फोल्डर में होती है। ओके, इसके बाद आते हैं टेम्प, हैविंग द टेम्परेरी फाइल्स, ठीक है। सो काफी सारी प्रोसेस होती हैं या तो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको जब एग्जीक्यूट होते हैं वो टेम्परेरी फाइल्स जनरेट करती हैं, सो वो यहाँ पे इस फोल्डर में बनती हैं। एंड टेम्परेरी फोल्डर्स में जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो ये फाइल्स आप ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएंगी। होम डायरेक्टरीज ऑफ द यूजर, तो यहाँ पे आप देखोगे होम फोल्डर। लिनक्स में आप एक ही लिनक्स सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, एंड एवरी यूजर का एक खुद का फोल्डर होगा होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे होम पे अंदर जाते हैं और मैं LSLTR करता हूँ, पॉल हो गया, निक हो गया, ठीक है। ये अपने पास फोल्डर्स बने हुए हैं जो कि मैंने यूजर्स बनाए थे, ठीक है, तो इनके खुद के फोल्डर हैं। अब जैसे कि मैं CD निक करता हूँ तो मुझे परमिशन नहीं है बिकॉज मैं एज अ पॉल यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ, बट या मैं पॉल पॉल के फोल्डर्स में जा सकता हूँ बिकॉज ये मेरा खुद का घर है, समझ लो खुद का फोल्डर, ठीक है, तो मेरे पास एक्सेस होगा। सी, मैं यहाँ पे पॉल पे चला गया और मैं यहाँ पे LSLTR करता हूँ तो मेरे अपने सारे फोल्डर्स एक्सेस कर पाता, स्लैश रूट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग ने CD स्लैश किया था, फॉरवर्ड स्लैश, वो एक रूट था, मतलब एक पेरेंट या तो एक मेन डायरेक्टरी था, बट जो स्लैश रूट है मतलब जो रूट यूजर होता है ना, एडमिन यूजर, जो सुपर यूजर होता है लिनक्स का, उसका खुद का एक अलग फोल्डर होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेन सबसे मेन यूजर है और सबसे एडमिन भी है, सुपर यूजर है, तो उसके लिए एक अलग से घर होना चाहिए। तो वहां पे एक अलग ही एक बनता है, ठीक है। यहाँ पे CD स्लैश करते हैं LSLTR, तो यहाँ पे देखोगे तो एक रूट फोल्डर, तो रूट फोल्डर का मतलब जो रूट यूजर है उसका एक अलग से स्पेशल फोल्डर बना होता है, एंड जिसमें किसी और यूजर को एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CD रूट कर सकते हैं, ठीक है। सही, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल यूजर हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एज अ रूट यूजर वहां पे कर सकता हूँ, रूट LTR। इसके बाद हम लोग देखते थे हैं वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है तो डायरेक्टरी के, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जब भी कोई इश्यूज आते हैं सिस्टम में लिनक्स में या तो एप्लीकेशंस में, सो हम लोग लॉग्स चेक करते हैं। सो जो वार फोल्डर है उसके अंदर हम लोग के सिस्टम लॉग्स है तो एप्लीकेशंस लॉग्स होते हैं, ठीक है, चेक करते हैं।
स्लैश ठीक है एनसीडी बार। अब एलएसएलटीआर करते हैं, वैसे तो काफी सारी फाइल्स हैं बट ज्यादातर जो मैक्सिमम यूज होता है वो लॉग का है ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे लॉग जाते हैं एंड एलएसएलटीआर, ओके सो यहाँ पे बहुत सारी लॉग्स फाइल दिखेंगी ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एंजिनेक्स एंड अपाचे वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल किया था ठीक है, तो उसके लॉक्स मुझे कभी चेक करना है तो मैं उसके अंदर भी जा सकता हूँ। जैसे मुझे एंजिनेक्स के लॉक्स चेक करना तो मैं यहाँ पे एंजिनेक्स में जाके अपने लॉक्स चेक कर सकता हूँ। सो अगर आपको लॉक्स वगैरह चेक करने हैं सो वार फोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वार और लॉक बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं रन फोल्डर की ठीक है, तो सिस्टम डीमंस दैट स्टार्ट वेरी अर्ली एग्जाम्पल सिस्टम डी एंड यूडीएफ टू स्टार्ट टेम्पररी रन टाइम फाइल्स लाइक पीआईडी। जैसे कोई ऐप की एप्लीकेशन है ठीक है, उसकी कोई प्रोसेस आईडी होगी एंड उससे रिलेटेड आपको अगर फाइल चेक करनी है तो इस फोल्डर में आपको मिलेगी। एंड उसके बाद लास्ट में माउंट ऑन मीडिया ठीक है, सो एमएनटी एंड मीडिया फोल्डर्स ठीक है। जैसे कि एमएनटी है टू माउंट द एक्सटर्नल फाइल सिस्टम, कभी कभी हम लोग को कोई दूसरे फाइल सिस्टम की जरूरत हो सो माउंट फोल्डर ठीक है कैन बी यूजफुल। एंड लास्ट में बात करते हैं तो मीडिया फॉर लाइक सी डी रोम माउंट एक्सेट्रा। सो मीडिया से रिलेटेड कुछ है लाइक जैसे हमारा यूएसबी भी है अगर हम अटैच करते हैं सो यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड फाइल्स मिल जाएंगी। ऑलराइट सो वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके जरूर बताओ कि और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब जल्दी से जल्दी वीडियोज बनाऊं, तब तक के लिए थैंक यू।